पृथ्वी शॉ ने खटखटाया टीम इंडिया का दरवाजा, खेली एक तूफानी पारी और गेंदबाजों के उड़ाए होश। जी आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पृथ्वी शॉ के प्रदर्शन पर। इस वक्त रॉयल लंदन क्लब में वो खेल रहे हैं जहां पर उनका शानदार प्रदर्शन जारी है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पृथ्वी शॉ 2018 में डेब्यू किया था और पहले ही टेस्ट में शानदार शतक जड़ा था और क्रिकेट फैंस को दीवाना बना दिया था। अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए वो जाने जाते हैं, ताबक तोड़ बल्लेबाजी, काफी आक्रामक वो खेलने की उनकी शैली, ऐसे में माना जाने लगा था कि वो भारत का, टीम इंडिया का भविष्य है। लेकिन इसी बीच खराब फॉर्म और चोट के कारण वो जूझते रहे, कई बार टीम से जुड़े और कई बार टीम से बाहर हुए, बहुत ज्यादा मैच नहीं खेल पाए, 5 टेस्ट और 6 वनडे और मात्र 1 T20 का मैच खेला है उन्होंने भारत के लिए। लेकिन क्या आप जानते हैं इस दौरान इंग्लैंड के साथ जो काउंटिंग क्रिकेट होती है, जिसमें आप कह सकते हैं कि लंदन कप वो खेल रहे हैं, रॉयल लंदन कप, जिसमें अगर उनकी टीम की हम बात करें तो नॉर्थम्पटन शायर एक बड़ी टीम है और इसी टीम के साथ वो जुड़े हुए हैं। पिछले दिन उन्होंने 71 गेंदों पे शानदार 97 रनों की पारी खेली। ऐसे लग रहा था हर गेंदबाज को जमने नहीं दिया, उनको जमकर उनकी खबर ली। एक समय तो लग रहा था कि मात्र 7वें ओवर में उनका जो है वो अर्धशतक पूरा हो गया था। ओडीआई के फॉर्मेट से रॉयल लंदन कप खेला जाता है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, इस दौरान उन्होंने टोटल 71 गेंदे खेली, 16 चौके लगाए और एक छक्का शानदार उनकी इनिंग में शामिल था। और इसके अलावा अगर आप मिडिल सिक्स की टीम की तरफ से जब वो अपोनेंट बैटिंग कर रहे थे, उनके विरोध में खेल रहे थे, तब पर भी उन्होंने 76 रन बनाया था। आपको मैं एक और बात बताना चाहूंगा उनके साथ जुड़े हुए रॉयल लंदन कप के आंकड़ों के साथ। पिछले साल 2023 में शानदार दोहरा शतक लगाया था और मैं आपको बताऊंगा ये दोहरा शतक लगाने वाले रॉयल लंदन कप के वो तीसरे बल्लेबाज बने थे। तो ऐसे में निगाहें सबकी जा रही है पृथ्वी शॉ के ऊपर। 2021 में हमने देखा था नीली जर्सी में, यानी टीम इंडिया के साथ, हालांकि इस दौरान वो आईपीएल के लिए खेलते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा वो कंसिस्टेंसी यानी लगातार वो बैटिंग उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में ये देखना है उनका ये जो हालिया फॉर्म है और जिस तरह की उनकी बैटिंग टेक्निक है, क्या गौतम गंभीर को प्रभावित कर पाएंगे। बेसिकली अगर आप देखें तो गौतम गंभीर हर एक खिलाड़ी को मौका देने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार वेरिएशन कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हाल ही में श्रीलंका में एक ओडीआई मैच चल रहा है, सीरीज चल रही है दोस्तों, इसमें कहीं ना कहीं आप देखिए पता ही नहीं चल रहा है किस बल्लेबाज को ऊपर भेजा जा रहा है और किसको नीचे। ऐसे में पृथ्वी शॉ का यह शानदार प्रदर्शन भारत के लिए, उनको देखना है क्या ये मौका दिलाता है कि नहीं। लेकिन पृथ्वी शॉ का शानदार प्रदर्शन हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही जारी रहेगा।